सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम रविंदर सिंह है और आशा करता हूँ कि आप सबकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पर चल रही होगी। तो चलिए गाइस, डिस्क्रिप्टिव की क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। आज अपने पास लेटर है। क्या लेटर है कि राइट ए लेटर टू बैंक मैनेजर को, लेटर लिखो अपना सेविंग अकाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए। और वर्ड लिमिट अपने लेटर के में 150 रहती है, तो 150 वर्ड में आपको लिखना है। 145 से लेके 155 तक आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी विद रविंदर के नाम से। आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस ग्रुप में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे द्वारा दिए गए ये एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए गाइज अपने लेटर पर चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या आता है, सेंटर का एड्रेस आता है। तो ये फिक्स कर लो कि मैंने इधर एंड उधर मेन एग्ज़ाम में यही लिखना है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो अपना फिक्स रहता था कि हाउस नंबर 000 व्यास कॉलोनी बीकानेर, फिर ये कोड, फिर स्पेस देना है अपने को, फिर अपने को नवंबर 18 2022 जो IBPS PO मेंस की मोस्ट प्रोबेबल डेट है ये लिखना है, फिर स्पेस देना है अपने को, फिर टू लिखना है, फिर द बैंक मैनेजर लिखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीकानेर, फिर अपने को स्पेस देना है, फिर अपने को सब्जेक्ट लिखना है काय के लिए कि मैंने अपना सेविंग अकाउंट ट्रांसफ़र करवाना है। ये जो सेंटर का एड्रेस है ये रट लेना, उधर कहीं आप कन्फ्यूज मत होना कि एक मिनट आप याद करो कि मैं सेंटर का एड्रेस कौन सा दूँ। और डेट इसलिए मैं अभी से ये लेके चल रहा हूँ कि उधर जाके अपने ऐसे यार आज डेट क्या है डेट क्या है, तो ऐसे अपने को कन्फ्यूज़ नहीं होना। अपना माइंड में एकदम रोड मैप फिक्स कर लो कि मैंने यही लिखना है सेंटर का एड्रेस। और रिसीवर का तो इधर कोई भी बैंक का नाम भी दे सकता है, तो रिसीवर का तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट है वो देना है, फिर रिस्पेक्टेड सर एंड मैम अपने को लिखना है। सबसे पहले दो लाइनें शुरू की और एक लाइन लास्ट की, ये अपने को याद रखनी है तो रखनी है। क्या रखनी है कि आई हैव बीन यूजिंग वैल्यूबल सर्विसेज ऑफ योर बैंक, 2014 से मैं आपके बैंक की वैल्यूबल सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं आपके बैंक का एक प्राउड कस्टमर हूँ। ठीक है, इसके बाद जो भी अपने को सब्जेक्ट है उससे स्टार्ट करनी है। सब्जेक्ट क्या था कि आपको अपना सेविंग अकाउंट ट्रांसफ़र करवाना है, तो आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन अ कंपनी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। करंटली जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ किसी कंपनी में, एंड माय कंपनी हैज़ असाइन ए न्यू प्रोजेक्ट टू मी लास्ट वीक, एंड मेरी कंपनी ने असाइन किया एक न्यू प्रोजेक्ट मुझे लास्ट वीक, और इस प्रोजेक्ट के ड्यू टू विच आई हैव टू रिलोकेट विद माई फैमिली फ्रॉम बीकानेर टू जयपुर। मैं कंपनी में इंजीनियर हूँ, इस कंपनी में इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एंड मेरी कंपनी ने मुझे एक प्रोजेक्ट साइन किया है जिसकी वजह से मुझे रिलोकेट होना पड़ेगा मेरी फैमिली के साथ बीकानेर से जयपुर। कब तक के लिए? कम से कम 4 साल के लिए मुझे जयपुर रिलोकेट होना पड़ेगा, एंड आई वॉन्ट टू ऑपरेट द सेम सेविंग अकाउंट इन जयपुर, एंड मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा सेविंग अकाउंट बीकानेर में है वही मेरा जयपुर में रहे। तो आई वुड बी हाईली प्रिविलेज, मैं बहुत ही प्रिविलेज रहूँगा अगर आप मेरा सेविंग अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं जयपुर में, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। एंड माई न्यू एड्रेस एंड अकाउंट डिटेल्स आर हेयर, नाम क्या है XYZ, एड्रेस डाल देना कि स्ट्रीट 4 कोई भी फेक एड्रेस वसंत बिहार ब्रांच जयपुर, एंड अपना अकाउंट नंबर डाल देना। और लास्ट में जब भी आप कंक्लूड करोगे तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप कुछ स्विफ्ट एक्शंस लेंगे एंड मैं आपका जो भी रिस्पांस रहेगा उसका वेट करूंगा। इसके बाद स्पेस देना है थैंक यू योर्स फेयरफुली XYZ। तो ये टोटल 155 वर्ड है गाइज, एकदम क्रिप्स में बताया है, ना कोई फालतू की लैंग्वेज यूज की है, ना वो कैब ना ग्रामर, एकदम क्रिप्स में बताया आपको। आई होप आपको समझ भी आया होगा, ऐसी कोई भी वो कैब का मैंने यूज़ नहीं किया जो कि आपको समझ ना आए। एक बात और कि लास्ट के 3 साल से मैं मेंस में बैठ रहा हूँ और डिस्क्रिप्टिव भी दे रहा हूँ, जितना सिंपल लैंग्वेज का आप यूज़ करोगे उतने ज़्यादा आप नंबर गेट करोगे। तो सिंपल लैंग्वेज लिखो जो कि आपको भी समझ आए और अगले को भी समझ आए। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, ऐसे लेके आऊँगा। और अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे की। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइज, बाय बाय।